हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में फिर से मैं 13 क्वेश्चन लेके आया हूँ रेलवे में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, आज भी देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे के पेपरों में या कई एग्जामों में बार बार रिपीटेशन होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। यदि आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करेंगे, साथ में कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे लिख कर करके, और साथ में हमारे चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में, कैसा दिशा में, समान दिशा में चल रही एक कार को कितना 4 सेकंड में पार करती है, तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या है, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लीजिए इसका एक थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा देखने में मजा आएगा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, ये क्या है, ट्रेन है, ओके। उसके बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए ये कार है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक समय ऐसा आता है कि इस तरह का फिगर हो जाता है, ठीक ना, और कार यहाँ आ जाता है, ठीक, और ट्रेन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये ट्रेन हुआ, ये कार हुआ, एक दूसरे के क्रॉस करता है कितना सेकंड में, 40 सेकंड, क्लियर। तो पूछता है क्या रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, टीएल पूछता है, यही तो प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिलेटिव स्पीड को निकालेंगे, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगा, जब एक ही दिशा में होगा तो चाल क्या होगा, हमेशा चाल बराबर क्या हो सकता है, जल्दी बताओ फटाफट, घट जाएगा। तो 126 घटा अगर 72 करते हैं तो निकल के कितना आ जाता है बाबू, बताइए, 126 में अगर 72 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर। अब हमें पता है क्या समय बराबर TD/TS है कि नहीं, जिसको कहते हैं RS बोल दीजिए, टोटल डिस्टेंस TS। तो TD हमें कितना मालूम है ट्रेन का, 126, क्लियर, 126 हुआ टोटल डिस्टेंस बेटा, टोटल समय हुआ, ठीक ना, कि नहीं हुआ बताइए, ओ TD तो मालूम नहीं है हमको, सॉरी। तो TD बराबर क्या हो जाएगा, T×RS रिलेटिव स्पीड, या इसको कह सकते हैं टोटल स्पीड, ठीक है ना। तो चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू, सिंपल सा सवाल था, 40 सेकेंड गुना चाल कितना निकला है भैया, 54 किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बता दीजिए, 18 × 54, राइट। अब इसको निकाल दीजिए, 15 × 15 = 60, मतलब इतना मीटर, ये तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
बी इज राइट, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से एक दूरी प्रत्येक 40 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती हुई तय करती है, ठीक है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। चलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन, चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेन के द्वारा, ठीक है ना, ट्रेन द्वारा 600 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, तय करने में लगा समय, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, 600 बटे 100, राइट ना। उसके बाद 600 बाय 75 माइनस 1 रुकता कितने मिनट का, 3, यही तो है, ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया, ठीक है, सॉरी ये जोड़ हो जाएगा ना, ठीक है, ये भी समय ये है, ठीक है ना, हो गया। अब आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना हुआ, 675/75 और गुना 3 कर दीजिए, 6 6 प्लस 525 बटे 75 गुना 3 कर दीजिएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 25 दिया 75 हो जाएगा, और इसको अगर आप करते हैं तो आपको कितने बार में हो जाएगा, 21 बार में, तो 6 घंटा 21 मिनट में ये दूरी तय कर देगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है, यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। समझ में आया, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार कर देता है, यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। ट्रेन की लंबाई बराबर फार्मूला सिंपल से जानते हैं हम लोग, क्या चाल गुना समय, यही तो है, तो चाल हमें कितना मालूम है, 25 मीटर, 25 मीटर और गुना 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया ना, मीटर ही बचा, ट्रेन की लंबाई यही तो ज्ञात हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक यात्री रेलगाड़ी एक मालवाहक रेलगाड़ी के स्टेशन से छूटने से 6 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी स्टेशन से चलना आरंभ करती है, जो 4 घंटे बाद मालवाहक से आगे निकल जाती है, जो 4 घंटे बाद मालवाहक से आगे निकल जाती है, तो मालवाहक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। मान लीजिए माल वाहक ट्रेन की चाल कितना है, 1 किलोमीटर पर, ठीक ना, समझ में आया, यही है ना कि नहीं। एक्स किलोमीटर बराबर है, ठीक है, और चूंकि क्वेश्चन बोलता है
जो माल गाड़ी है जिसको मालवाहक कहते हैं का घंटा चलता है, 6 घंटे के बाद चलता है, तो 6 घंटे तो पहले वो कवर करेगा, तब तो 4 घंटा, तो टोटल कितना हो गया, 6 प्लस 4 मतलब 10 घंटा रनिंग करता है। करता है ना। और यात्री गाड़ी कितना चलता है, मात्र 4 आवर्स। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दूरी दोनों का सेम है, दूरी दोनों तो सेम है कि नहीं, पहुंचना एक ही जगह है, लेकिन एक 6 घंटे बाद चलती है, एक 4 घंटे में पहुंच जाती है। सही है। तो एक्स गुना कितना, 10 बराबर 80 गुना, 4 गुना समय है ना, 4, ये कैंसिल कर दीजिए, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं दोस्तों, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकेंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से विपरीत दिशा में चलने वाली एक आदमी को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है, एक आदमी का चाल ये हुआ, ठीक है, और ट्रेन की चाल ये हुआ, ये 240 मीटर है जो कि 10 सेकेंड में पार करता है, ठीक, कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि ट्रेन का, ठीक है, आदमी को पार करता था, ट्रेन की गति क्या पूछता था, ट्रेन की गति पूछ रहा, व्हाट, राइट। चलिए आई बात समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसका रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, वो क्या होता है दोनों चालों का, यू, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है ना, तो 3 प्लस x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, किलोमीटर हो गया बराबर, राइट कि नहीं। अब चलते हैं कि या इसको स्पीड चाल बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है ना, दूरी कितना है 240 मीटर बटे समय कितना लगा 10 सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड कितना निकाले थे हम लोग, 3 प्लस x इक्वल टू 24 हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 24 था, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किस में, घंटा प्लस अति में, ठीक ना, ये मीटर पर सेकंड में चला था, ठीक, 18/5 से कीजिए। अब आप इसको अच्छा से कर लीजिए, क्या कि नहीं, अब देखिए इसको, 5 या 15 प्लस 5x 24 × 18, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 32 8 × 16 16 3 92 24 2
नौ चार तेरह, 432 में आप 15 घटा दीजिए, 7 5 12, ये हो गया 2 में से 1, 417, 5 से भाग दे दीजिए, ठीक ना। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 417/5। अब इसको भाग दीजिए, 8 5 40, 8 5 40, 8 2 16, नहीं 16, ठीक है, कहीं कहीं गलती हो गया क्या? ठीक है, चलिए उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पंद्रह प्लस एक्स हो जाएगा, आया 24 गुना 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 5x हो जाएगा ना। तो 5 को कॉमन लिया, x प्लस 3 हुआ बराबर 24 गुना 18 हुआ, ठीक। x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24 गुना 18/5। इसको जब कैलकुलेट करके कर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 432/5, और आंसर हो जाएगा आपका कितना, 83/4 किलोमीटर बराबर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 26 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबी एक सेतु को पार कर लेगी, ठीक है। चलिए किसकी किसकी लंबाई दिया गति से चल रही ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितना दिया हुआ है, 26 मीटर, ठीक है। 800 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 800 मीटर। पुल की लंबाई कितना दिया गया, मतलब ब्रिज, ब्रिज की लंबाई कितना दिया हुआ है, 500 मीटर। तो पुल को पास करने में कितना समय लगेगा, यही तो है। अरे यार ये हुआ, फिगर्स देख लेते हैं, ट्रेन की लंबाई कितना हो, 800 मीटर, ये 500 मीटर है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 26 मीटर पर सेकंड है, तो पार करने में कितना समय लगेगा, यही तो फिगर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं टी बराबर क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल स्पीड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को दौड़ लेंगे, 800 जोर 500, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है बताइए फटाफट, ट्रेन की स्पीड, क्योंकि ब्रिज की स्पीड तो हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि ब्रिज क्या है, कांस्टेंट है, तो ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 26, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए फटाफट। हाँ इसको जोड़ दीजिए, 8 5 1300 हो जाएगा, यहाँ 26, ठीक है कि नहीं। आप इसको कट कीजिए, सबसे पहले
दूना 26, सॉरी पूरे कटा दीजिए एक बार में, जब ऊपर कटा देंगे कितना कट जाएगा, ये 50 में कट जाएगा, ठीक है। तो 50 सेकंड आंसर हो गया, ठीक निकल गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। यदि एक रेलगाड़ी 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से दौड़ रही है तो 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी। ये तो बचवा वाला सवाल है, चलिए फिर भी रेलवे ने इसको कई बार पूछा है, देखते हैं मतलब क्या कहना है। कितनी दूरी बराबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हमेशा, क्या पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड गुना टाइम, है कि नहीं। स्पीड कितना दिया हुआ है, 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट, इसको भाग दे दीजिए घंटे में बदल जाएगा, क्लियर। अब चले जाइए यहाँ, जब भाग दीजिए कटाइए इसको, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 2 यहाँ हो गया 3, ठीक है। एक बार में कटा है, 4 बार में कटा, कट गया। चढ़तिया बारह 14.4 किलोमीटर, ये कैंसिल हो गया ये सब, डी बराबर 14.4 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है, कितना लेती है, 25 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। सिंपल सी बात है, कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग में दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना हुआ, TL बराबर 100 मीटर, क्लियर। स्पीड इसका कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर बराबर पुलवा कितना पार करता भैया, 25 सेकंड में, क्लियर। तो पूछता है पुल की लंबाई कितनी होगी, हाँ पुल की लंबाई मतलब ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहले टी बराबर क्या होता है, हमको दूरी बटे चाल याद रहेगा, ठीक। तो दूरी कितना हुआ भैया, दूरी का मतलब क्या हुआ, पुल की लंबाई जोर ब्रिज की लंबाई, क्लियर। चाल कितना दिया हुआ है ट्रेन की, तो 36 किलोमीटर बराबर, ठीक है कि नहीं। अभी 36 किलोमीटर को बदल दीजिए आप किस में, मीटर पर सेकंड, क्या बोल रहे थे, 5/18 से कर दीजिए गुना, ठीक है कि ना, ठीक। 25 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100 प्लस BL मतलब ब्रिज की लंबाई बटे 10, है कि नहीं। तो BL बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250 तो 100, है कि नहीं, हाँ सही है ना। तो निकल गया 150, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों कहता है बड़ा प्यारा सा है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है,
रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एकदम ध्रुव वाला सवाल है, कोई बात नहीं है। तो चाल बराबर हमको पता है दोस्तों क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो दूरी कितना है, 120 मीटर। कितना है, 120 मीटर। उसके बाद करने में कितना पार्क लगता है, 10 सेकेंड। तो अब क्या हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ये बुतरू से बुतरू वाला सवाल था, लेकिन कितना बार पूछा है देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगी। वाह, फिर वही चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितना हुआ, 125 मीटर। चाल में समय कितना हुआ, 12 सेकेंड। ठीक है, आप इसको किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। ठीक है, किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है कि ना, बोलिए फटाफट। चलिए फटाफट कर दीजिए, धड़ाधड़। इतना हो गया, इसको कटाइए 50, इसको कटाइए 5 तिया 15, 4 तिया 12। ठीक है, ये 25, ये हो गया 2। 25/2 को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 8 × 18 से 5 गुना कर दीजिए, 25, यहाँ हो गया 9। आंसर निकल कर गया 45 किलोमीटर बराबर, राइट। चलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड। एकदम सेम वैसा ही था, ठीक ना। चाल बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हुआ तो कितना हो गया, 435 किलोमीटर। वाकने जी, और 2 घंटा 30 मिनट है, इसको बदल दीजिए घंटे में। ठीक है, ये हो गया 2 435 × 5 × 2 कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16, 1 इतना। ठीक है कि नहीं, बोलिए। अब इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, जब मीटर पर सेकंड में हो गया तो निकल कर कितना आ गया, 48.3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, बताइए उसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। आप बताओ, 180 किलोमीटर दे ले, इसको बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, यही तो आंसर है। ये सब उतरू था, ये सब इतना पूछेगा, मैं पूछा है बहुत पहले, 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टरों के साथ, जिसका नाम रहेगा टाइम
एंड डिस्टेंस।